तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं बात करता हूँ कि किसी भी चीज़ की मजबूती की, तो उसकी मजबूती जो है उसकी मोटाई या उसकी थिकनेस पर डिपेंड करती है। लेकिन उसकी थिकनेस या उसकी मोटाई किस पर डिपेंड करेगी कि जो अगर उस पर जो लोड लग रहा है, ठीक ना, वो ज़्यादा लोड होगा तो हमें किसी भी मटेरियल की मोटाई या थिकनेस ज़्यादा देना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्लैब की मोटाई की, तो जो घर होता है हमारा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोडिंग नहीं होती है, ठीक ना। एज कंपेयर टू कमर्शियल बिल्डिंग या बिजनेस पर्पज से जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मशीनरीज यूज की जाती हैं जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं एक नॉर्मल घर की बात करता हूँ, तो मिनिमम जो उसकी हम छत की मोटाई देना चाहें तो हम 125 mm दे सकते हैं। ये जो मैं मोटाई आपको बता रहा हूँ, थिकनेस बता रहा हूँ, एज पर IS कोड में बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है 456/2000, उसके अकॉर्डिंग जो है मिनिमम जो छत की मोटाई है वो आप 125 mm दे सकते हैं, ठीक ना। मतलब 5 इंच के बराबर, लगभग लगभग 5 इंच के बराबर। और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो होती है, जैसे आपके कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है ना, तो वहाँ की जो छत की मोटाई दी जाती है वो लगभग 6 इंच के बराबर होती है, जो आपके लगभग 150 mm होती है, 150 mm के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी छत पर हम हैवी मशीनरीज यूज कर रहे हैं, हैवी मशीन्स यूज करेंगे जो कि जब चलेंगी तो वाइब्रेशन जनरेट होगा, तो उन मशीनों को जिस भी छत पे रखा जाएगा, ठीक है ना, जिस भी स्लैब पर रखा जाएगा, ठीक है, उसको मोटा होना जरूरी है क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन जनरेट होगा, ठीक है। तो उसकी जो हम थिकनेस देते हैं लगभग 200 mm देते हैं, जिसको हम 8 इंच बोलते हैं। तो 8 इंच बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसको हम घरों में नहीं प्रोवाइड करते हैं। घरों में बस आप 125 mm जो है वो थिकनेस दे दीजिए। और कोशिश ये करिए कि जितनी भी आपकी स्लैब पड़ेंगी, जितनी मंजिला आपकी छत बनने वाली है, सभी को 125 mm थिकनेस कम से कम तो दीजिए ही दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ मैं बात करूँ जो टॉप फ्लोर होगा, जो टॉप फ्लोर पर आपका स्लैब पड़ेगा, तो अगर वहाँ चाहें तो आप इंजीनियर से सलाह लेकर के वहाँ पर आप थिकनेस थोड़ी सी कम करा सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप रूम नहीं बनवा रहे हैं तो वहाँ की थिकनेस जो है स्लैब की थोड़ा सा कम आप करवा सकते हैं, लगभग 4 इंच करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करूँगा कि कोशिश करिए कि 125 mm से कम मत आप प्रोवाइड करिए उसकी थिकनेस, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर आपने वाटर टैंक, जैसे जो वाटर टैंक रखे जाते हैं, ठीक है ना, तो वाटर टैंक अगर जहाँ पर आप रख रहे हैं वहाँ की थिकनेस तो आपकी 5 इंच से 6 इंच के बीच रखिएगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो उसका लोड होता है, उस टैंक की जो टंकी जहाँ पर भी रखी जाएगी वहाँ पर वो लोड जनरेट करेगी स्लैब पर, मतलब छत पर, तो वहाँ की मोटाई आपको छत की बढ़ानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई और कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज आप लोग के लिए लगातार लाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।